हेलो फैमिली, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है बिहार दिवस, तो आप सभी को बिहार दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह छत पे आके देखते हैं, मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा था। कई दिनों से, चार दिनों से बारिश हो रही थी यहाँ पर लगातार। फिर हम छत पर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। नीचे जाते के साथ सबसे पहले हम किचन में जाते हैं, क्योंकि मेरे सुबह सुबह आजकल भूख लग जा रहा है। तो मम्मी को देखें, वो घी निकाल रही थी। ये वाला जो टेक्निक होता है बहुत सही होता है, अपना घर का खुद का घी बनाओ और काफ़ी प्योर भी होता है और अच्छा भी लगता है। फिर थोड़ी देर हम रेस्ट किए, उसके बाद से जल्दी से हम फ्रेश हो लिए। माँ भी नहा करके पूजा कर रही थी। आज बताया ना, नवरात्रि का पहला दिन है तो सभी को पूजा पाठ करना था, घर की सफाई भी करनी थी। फिर हम किचन में चले जाते हैं, जहाँ पर रानी खाना बना रही थी। फिर अपना हम ब्रेकफास्ट तैयार करने लगे। आज हम ब्रेकफास्ट लेंगे ब्रेड, बटर और हनी, और इसके साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह लेंगे या फिर कुछ सैलड भी ले लेंगे। फिर इतने में दूध वाले भैया भी आ गए, फिर उनसे दूध लेने के लिए बाहर चले गए। एक्चुअली ऊपर नीचे जो भी लोग रहते हैं ना आसपास, सब लोग इन्हीं से दूध लेते हैं। फिर हम अंदर आए तो हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था, तो वही ब्रेकफास्ट में से लिए थे, आंवला का मुरब्बा था और खीरा, गाजर और ब्रेड बटर। फिर हम चले गए मार्केट, कुछ काम था हमें मार्केट में, कुछ सामान वगैरह लाना था हमें, और मेरे साथ था आयुष। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे शॉपिंग सेंटर के अंदर। जो भी सामान लेना था, कपड़े वगैरह कुछ लेने थे और कुछ खिलौना भी लेना था। कल वाले वीडियो में पता चल जाएगा हम किसके लिए सब कुछ ले रहे थे। फिर हम सामान लेके बिलिंग करा के आ गए थे बाहर। वैसे गर्मी का दिन शुरू हो गया है तो समर ड्रिंक चाहिए होता है। आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिहार का फेमस समर ड्रिंक, यानी कि सत्तू का शरबत। तो इसकी रेसिपी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। इसे बनाने के लिए लेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून के करीब सत्तू। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार। फिर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर और कटा हुआ प्याज। और आप चाहें तो इसमें नॉर्मल या फिर ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा ना ठीक ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। फिर इसको डाल देंगे ग्लास के अंदर। फिर इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस, लगभग 1 चम्मच के करीब नींबू का रस डाल देंगे इसमें। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। आप चाहें तो इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं धनिया पत्ता या फिर पुदीने के पत्ते से, और कुछ आइस क्यूब भी डाल सकते हैं इसके अंदर और ठंडा के लिए। फिर शाम में जाते हैं हम बार और मैंगो शेक पीते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कल। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।